जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे मोनोटाइप इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में। बहुत दिनों से यूट्यूब पर इस स्टॉक के बारे में चर्चा नहीं हुई है और कुछ लोगों के सवाल थे इसके बारे में जानने को लेकर। चलिए इसके बारे में एक शॉर्ट हम लोग एनालिसिस करते हैं। कंपनी कैसी है, क्या काम करती है, इसमें आगे ग्रोथ की क्या संभावना है, ताकि इसका पहले से भी इन्वेस्टमेंट है और कोई यदि नया भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसे एक सटीक रणनीति मिल सके। सबसे पहले जब हम लोग बीएस इंडेक्स वेबसाइट पर इस स्टॉक को देखते हैं तो पाते हैं कि स्टॉक ना तो ईएसएम कैटेगरी में ना ही जीएसएम कैटेगरी में, यानी कि रेड फ्लैग से ये स्टॉक बाहर है। तो ये एक सुकून देने वाली खबर है। सामान्यतः जो छोटी कंपनियां होती हैं उसमें ज्यादातर रेड फ्लैग के निशान होते ही होते हैं, या तो ईएसएम कैटेगरी में होता है या वो जीएसएम कैटेगरी में होता है। यहाँ ऐसी बात नहीं है, एक प्लस पॉइंट है। हालांकि जब आप नोटिफिकेशन में देखते हैं तो आप पाते हैं कि स्टॉक लोअर सर्किट में चल रहा है, तो ये कोई मतलब रेड फ्लैग वाली बात नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं है। इसमें बीच बीच में लोअर सर्किट लग रहा है तो बीच बीच में अपर सर्किट भी आपको लगते हुए दिख रहा है। समय समय पर इसमें लोअर सर्किट अपर सर्किट लगते रहता है और खासकर पेनी स्टॉक में तो चलता ही रहता है कि लोअर सर्किट और अपर सर्किट समय के हिसाब से लगते रहता है। जब आप ओवरऑल देखते हैं तो पेनी स्टॉक लॉन्ग टर्म करके धीरे धीरे ऊपर ही आपको जाते हुए दिखते हैं, अपर सर्किट और लोअर सर्किट के साथ। तो इसलिए लोअर सर्किट से आपको घबराना नहीं है, यह स्टॉक लॉन्ग टर्म में आपको ऊपर ही जाते हुए दिखाई देगा। कॉर्पोरेट एक्शन में कुछ खास कॉर्पोरेट एक्शन नहीं देखने को मिला है हमें 2015 के बाद से। 2015 में लास्ट इसमें कॉर्पोरेट एक्शन हुआ था जिसमें कंपनी ने आपको स्टॉक का स्प्लिट दिया था, उसके पहले कंपनी ने डिविडेंड दिया था, यानी कमी समय समय पर आपको डिविडेंड देते रहते और आगे भी डिविडेंड मिलता मिलते ही रहता है, डिविडेंड आगे भी इसमें मिलने के चांसेस रहेंगे। हालांकि कॉर्पोरेट टैक्स में और जो ये बोनस और स्प्लिट जैसी बात होती है वो बहुत कम इस स्टॉक में देखने को मिलती है, साथ खासकर जो पेनी स्टॉक होते हैं पेनी स्टॉक में तो बहुत कम ही ये सब चीजें देखने को मिलती है। बाकी ओवरऑल स्टॉक कैसा है चलिए उसको हम लोग स्क्रीन की वेबसाइट पर एनालिसिस करते हैं और उसमें समझते हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ पर मोनोटाइप इंडिया लिमिटेड को समझते हैं। सबसे पहले काम की बात करते हैं, जो कंपनी है ये इन्वेस्टमेंट करती है, ये फाइनेंशियल सर्विसेज देने वाली कंपनी है, साथ में इन्वेस्टमेंट भी करती है। और इन्वेस्टमेंट किस में करती है तो आपको मैं बता दूं, ये रियल एस्टेट में, साथ में रियल एस्टेट के अलावा यदि आप देखेंगे तो ये शेयर मार्केट में भी आपको इन्वेस्टमेंट करती हुई नजर आएगी, यानी कि स्टॉक मार्केट प्लस रियल एस्टेट में ये कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है और साथ में ट्रेडिंग भी करती है। यहाँ पर आप देखेंगे ट्रेडिंग करती है शेयर्स में, यानी कि जैसे नॉर्मल हम लोग स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग या फिर ट्रेडिंग ये भी वो कंपनी करती है। जाहिर सी बात है फाइनेंशियल सर्विस से जुड़ी कंपनी है तो और इन्वेस्टमेंट का काम तो करती ही होगी, तो काम काफी बढ़िया है, काम के बेसिस पे लॉन्ग टर्म इसमें तेजी देखने को मिलेगी। आप समझते हैं कंपनी का फंडामेंटल कैसा है, तो फंडामेंटल जो आप देखते हैं तकरीबन 54 करोड़ के आसपास कंपनी का वैल्यूएशन है, यानी कि हमारा जो एक क्राइटेरिया होता है स्टॉक को पिक करने के लिए 100 करोड़ के आसपास कंपनी का वैल्यूएशन होना चाहिए, वैसा नहीं है, वैल्यूएशन थोड़ा कम है, ये नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। प्लस यहाँ पर जो रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं और आरओसी देखते हैं यह भी माइनस में है, कंपनी का बुक वैल्यू भी माइनस में, बुक वैल्यू माइनस में नहीं होना चाहिए, यानी कि फंडामेंटल उतना बेहतर नजर नहीं आ रहा है। जब आप क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं क्योंकि इससे ये पता लगता है कि समय के साथ कंपनी के फंडामेंटल में सुधार होने के चांसेस हैं कि नहीं। तो देखिए सेल्स देखेंगे तो पिछले कुछ क्वार्टर में कंपनी के जो सेल्स हुए सेल्स तो हुए ही नहीं है, यानी कि हमें फंडामेंटल बहुत ही कमजोर नजर आ रहा है। और क्योंकि कंपनी चलाने तो खर्चे तो रहेंगे, देखिए सेल्स नहीं उसके बावजूद भी खर्चे हर क्वार्टर में कंपनी के हुए हैं, खर्चे होंगे और सेल्स नहीं हुआ, कमाई नहीं हुआ, तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट में कंपनी नहीं रहेगी, कंपनी लॉस में रहेगी और अभी भी कंपनी लॉस में ही है 5 लाख के आसपास, यानी कि हमें फंडामेंटल इस कंपनी के बेहतर नजर नहीं आ रहे हैं। टेक्निकल को देखते हैं, टेक्निकल एनालिसिस से क्या पता चलता है, तो 1 साल का चार्ट हमने यहाँ पे ओपन किया हुआ है। 1 साल के चार्ट पर देखेंगे तो स्टॉक का प्राइस आपको बहुत ज्यादा जिग जैक वाला प्राइस इस स्टॉक में देखने को मिलेगा, यानी कि एक तो स्पष्ट है कि बहुत ज्यादा इस स्टॉक में वोलेटिलिटी रहती है और ऑपरेटर्स द्वारा इस स्टॉक को ऑपरेट किया जाता है, क्योंकि इस तरह के जब चार्ट पैटर्न बनते हैं किसी भी स्टॉक में तो ये दर्शाता है कि लोअर सर्किट और अपर सर्किट इसमें बहुत जल्दी जल्दी लगते रहता है। हालांकि पेनी स्टॉक में कोई मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस स्टॉक में ज्यादा लग रहा है, इसमें आप फंसने के चांसेस ज्यादा होते हैं। यहाँ पे आपको चार्ट कहीं से भी क्लियर नजर नहीं आ रहा है, ओवरऑल करके तो ऊपर गया है, धीरे धीरे करके ये ऊपर ही जाएगा, लेकिन शॉर्ट टर्म का यदि नजरिया रखेंगे तो आप इस स्टॉक में फंस जाएंगे। इसलिए यदि आपका इसी स्टॉक में विजन 5 साल 10 साल के लिए है तभी इसमें इन्वेस्टमेंट करें, पहले से इसका इन्वेस्टमेंट है वो अपनी पोजिशन को होल्ड करके चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ये पैटर्न बन रहा है पैटर्न अभी ऊपर की तरफ जाते हुए इशारा कर रहा है, पैटर्न यहाँ से ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा तो निकलना चाहे तो निकल सकते हैं। नया व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये जो आप फेस लेवल है 90 पैसा के लेवल को ध्यान में रखें, 90 पैसा के लेवल निकलेगा तो यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं। अभी कोई भी बाय सेल मत कीजिएगा जिसके पास है या नहीं है, आपको जो लेवल बताया उस लेवल को ध्यान रखिएगा। ओवरऑल बात यह है कि मोनोटाइप कंपनी तो काफी बढ़िया है, बस फंडामेंटल में दिक्कत है, फंडामेंटल यदि बेहतर होता है तो लॉन्ग टर्म के लिए विचार कर सकते हैं और नाफी के लिए इसको इग्नोर करके आप चल सकते हैं। हाँ, जिसका पहले से इसमें इन्वेस्टमेंट है वो जैसे मैंने बताया कि आप इसमें होल्ड करके चल सकते हैं, तो ये आपके लिए एक बेहतर स्टॉक साबित हो सकता है। मन में कोई सवाल हो कमेंट जरूर पूछिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।